प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार से हमारे 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न, देश के लगभग हर समाचार पत्र, आर्मी जर्नल व सैटेलाइट तस्वीरों और अब रक्षा मंत्री के खुद के बयान द्वारा प्रधानमंत्री जी के हमारी सीमा में चीनी घुसपैठ ना होने के बयान को साफ तौर से झूठलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक को चीनी घुसपैठ के बारे में सही तथ्य नहीं बताए? दूसरा सवाल, देश के रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए ट्विटर पर बयान का मतलब है कि चीन से बातचीत के द्वारा हल निकलने की कोई गारंटी नहीं है। क्या चीनी कब्जे को स्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने ये मान लिया है कि वो अब इसका कोई हल नहीं निकाल सकते? सवाल नंबर 3, क्या चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स व दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में सैन्य निर्माण कर रहा है जैसा सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं? भारत की सीमा में हो रहे, भारत की सरजमी पर हो रहे इस चीनी निर्माण के बारे हमारी सरजमी की रक्षा हेतु मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है? नंबर 4, क्या चीन ने अब भी फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच पेंगोंग सो लेक इलाके में कब्जा बना रखा है? चीनी सेना से यह कब्जा छुड़वाने बारे मोदी सरकार की रणनीति क्या है? नंबर 5, मई 2020 से पहले की यथास्थिति बनाने बारे व चीन को भारतीय सीमा से पीछे धकेलने बारे कितना समय और लगेगा? वह मोदी सरकार की इस बारे में नीति, रास्ता और दृष्टि क्या?